हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ चुके हैं कांकरिया लेक। तो आज हम आपको कांकरिया लेक की टूर कराएंगे। सबसे पहले तो ये कांकरिया का पूरा पार्किंग है, यहाँ पर आप अपना व्हीकल लेके आओ तो यहाँ पे अपना बाइक या गाड़ी सब कुछ रख सकते हो। तो यहाँ पे आप बाइक लेके आओ तो 40 रुपया और गाड़ी लेके आएंगे तो 90 रुपये टिकट है। ये एंट्रेंस है और यहाँ पे आपको यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी टिकट चेक होगी। यहाँ पर ये अंकल टिकट चेक करते हैं और यहाँ पर आपकी अगर आप कोई बैग लेके आओ तो यहाँ पे आपको बैग चेक करवानी पड़ेगी। तो भाई हम आ चुके हैं जू में। आपको भूख लगे कभी भी तो यहाँ पे आके आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हो और आइसक्रीम वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा है वो सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सभी राइड्स छोटी छोटी। यहाँ पर ये सभी गेम्स के पैसे लिए जाते हैं, जैसे कि इस पे ऊपर लिखा है कि पर पर्सन 1 कॉइन या 50 रुपीज़ पैसे। सभी गेम्स के अलग अलग रेट है। भाई ये कांकरिया का सबसे अट्रैक्टिव जाने के लिए इस ऐसे टिकट है, देख लो। तो भाई हमको यहाँ से ट्रेन की टिकट मिल चुकी है, अब सीधा जाते हैं ट्रेन में और घूमी घूमी करके वापस आते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, सबसे लास्ट वाला कंपार्टमेंट हम बैठ चुके हैं। पूरी ट्रेन आपको दिखाएंगे, यहाँ से आ गए, अभी भाई ट्रेन चलेगी, ये भाई ने बोल दिया। आ गए हॉरर हाउस और हम इसमें जाने वाले हैं और यहाँ की टिकट है 17 रुपीज़, ठीक है। भाई चलते अंदर, हमने ये टिकट ले ली, ठीक है। सबसे अच्छी राइड ट्रेन जिसमें हम बैठ चुके हैं वो वापस आई। जब आए तब गार्ड भैया थे, अभी गार्ड भैया नहीं है। बाय बाय। अगर बैप को स्पीड बोट में जाना है तो यहाँ से टिकट लेनी हो और यहाँ पर एंट्री है यहाँ से, ठीक है। और ये गेट के सामने ही है, कौन सा नंबर का गेट है ये मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ये गेट के सामने ही है। हम यहीं से आए थे हम, और सामने ही आपको नौका भैया दिखेगा। जो राइड देखी वो यहाँ से आप टिकट परचेस कर सकते हो, और इधर लिखा है कि एनी वन 80 रुपीज़ वन टाइम, मतलब कोई भी एक राइड का आपको 80 रुपये पे करना पड़ेगा यहाँ। तो भाई ये आम्रपाली फन लैंड, इधर एंट्री फी है, इधर एंट्री फ्री है और राइड का पैसा देना पड़ेगा। यहाँ से आप टिकट लेना, यहाँ से टिकट लेने के बाद अंदर। भाई यहाँ पर सभी पैकेज है, देख लो आपको जिस राइड में बैठना हो उस हिसाब से यहाँ पर पैकेज है, तो आप वो पैकेज सिलेक्ट करके फिर उसका मज़ा ले सकते हो। और भाई इधर लिखा है जलधारा वाटर वर्ल्ड, लेकिन ये शायद से बंद है। यहाँ पर ये छोटा सा वाटर पार्क है, यहाँ पर देख लो, यहाँ से हमको दिखा थोड़ा सा, ये वाटर पार्क है यहाँ पर, वो अभी बंद है। फन वर्ल्ड से अंदर आने के बाद टिकट काउंटर दिखेगा, वहाँ से आप टिकट ले गए, इधर आप जो चाहे वो राइड में जा सकते हो। सभी राइड्स बंद थी क्योंकि दोपहर के बजे 2:00 बंद है सब। अगर आप छोटे बच्चे के साथ आओ तो किड सिटी में ज़रूर जाना, बच्चे लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। और भाई किड सिटी के बाजू में साई झूलेगा, ओपन थिएटर है, ओपन एयर थिएटर, इसमें भी आप मूवी का मज़ा ले सकते हो जो यहाँ पर दिखाते हैं। और ये जो नगीना वाड़ी है वहाँ पर शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक लेज़र शो और फाउंटेन शो होता है, वो शाम को आप देख सकते हैं। भाई वो स्पीड बोट थी, ये स्लो बोट है। यहाँ पर सामने ही MTS और BRTS का स्टेशन है, तो आप अगर उससे भी आए तो भी बड़ी आसानी होगी, 1 नंबर के गेट से। ये भाई इंडियन नेवी, क्या लिखा है, इंडियन नेवी बोट हाउस, इंडियन नेवी बोट हाउस ये। बटरफ्लाई पार्क, अगर आपको इसमें जाना है तो टिकट उसके लिए लगेगी, छोटे बच्चे के लिए 5 रुपया, बड़े के लिए 10 रुपया। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बटरफ्लाई मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी, ठीक है। भाई यहाँ पर अच्छे अच्छे ट्री देखने को मिलेंगे। बटरफ्लाई तो हमको दिखती नहीं है क्योंकि अभी वो सीज़न है ही नहीं। यहाँ पर लिखा है बटरफ्लाई पार्क, चलते हैं फिर बटरफ्लाई पार्क में। तो गाइस यहाँ पर बटरफ्लाई वाला जो गार्डन था वो पूरा हो गया और देखने को तो वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन बस अच्छी अच्छी को पेड़ पौधे और छोटे छोटे फूल वाले पौधे छोटे से दिख जाएंगे। तो भाई बटरफ्लाई वाला गार्डन घूम लिया हमने, कुछ नहीं था। तो गाइस फाइनली हम बाहर आ चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखना वो है कि हम हमारे बाइक पे अपना हेलमेट टिका कर गए थे, वो है कि नहीं वो हमको अभी देखना है। को हमारा हेलमेट दिख गया है। तो ये रही अपनी बाइक और ये रही अपनी हेलमेट। तो गाइस यही था कांकरिया लेक, ठीक है। आपको पूरा लेक हमें दिखाई दिया ऑलमोस्ट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, और आप वीडियो देख सको। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और गुड बाय।